subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं आपके सामने आ गया हूँ क्या लेके, आपकी पिक्यूलियर इंग्लिश को लेके। तो पिक्यूलियर इंग्लिश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। डेली 5 बजे 2 या 3 सेंटेंस 2 या 3 वर्ड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आपके वो इडियम्स और फ्रेजेज हैं जो आपके SSC एग्जाम्स में आते रहते हैं गाइज। तो शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को खुद ये लगेगा कि यस आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। तो कंप्यूटर महोदय, पहला वर्ड जरा बच्चों के सामने पेश किया जाए और पहला वर्ड है हमारा अ फैट हेड। यार आप लोगों ने फैट भी सुना है, हेड भी सुना है, ठीक है ना। फैट अगर मैं बात करूँ, ये जो फैट होता है ये होता है मोटा, हेड होता है सिर, जिसका मोटा सिर होता है। आप बोलते हो ना मोटा दिमाग, मोटा दिमाग, वही फैट हेड का मतलब होता है अ स्ट्यूपिड पर्सन, अ डूफस, अ पिलक। जो डूफस होता है DWFUS, अगर मैं देखूं DWFUSPILLOCK, पिलक, डूफस हो गया, पिलक हो गया, स्टूपिड हो गया, ये सारे फैट हेड के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर जी जरा एक बार सारे जो है आंसर्स बच्चों को दिखा दिया जाए। अ फुलिस्ट एंड स्टूपिड पर्सन, डोंट बी अ फैट हेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि मूर्ख मत बनो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जरा कंप्यूटर जी एक बार पिक्चर और दिखा दीजिए साथ में ही, ठीक है ना। अपने आप आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये आदमी स्टूपिड है। इस तरह से कोई नॉर्मल आदमी बिहेव नहीं कर सकता। तो आप लोगों को एक और वर्ड आज याद हो गया, ये वर्ड भी आपकी झोली में आ गया, क्या? फैट हेड। हमारा सेकंड वर्ड है, कंप्यूटर महोदय जरा एक बार दिखाएंगे, सेकंड वर्ड है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर का मतलब होता है आपका अच्छा मौसम। तो हमेशा जो ऐसे फ्रेंड्स जो आपके सिर्फ जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक तू कैसा है, ऐसा पूछने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि मतलबी दोस्त, मतलबी जमाना। आप लोगों को ऐसे फ्रेंड से बच के रहना चाहिए। सुबह सुबह 5 बजे एडवाइस दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए और हमेशा उनसे बच के रहिए। क्योंकि जो असली दोस्त जो होता है वो आपका वही होता है जो आपकी मुसीबत में आपके टाइम होता है। जब आपके पास पैसा होता है तब तो हजारों लाखों लोग आपके पास आ जाएंगे यार। तो कंप्यूटर जी जरा एक बार जल्दी से आंसर दिखाइए बच्चों को। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग क्या हुआ? फ्रेंड्स ऑफ ओनली गुड टाइम, ठीक है ना। बीवेयर ऑफ यूर फेयर वेदर फ्रेंड्स इन लाइफ, बीवेयर ऑफ, जो भी आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स है उनसे आपको बच के रहना चाहिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो और वो आपकी मदद ना करे तो वो फेयर वेदर फ्रेंड्स हो गया। और तीसरा और आज का आखिरी वर्ड है हमारा क्या? हु इज कॉल्ड फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड किसको कहा जाता है? फ्लैश हो गया सर मांस, ब्लड हो गया सर खून। अब ये नहीं है कि इसका मतलब फ्लैश एंड ब्लड है, तभी तो ये यूनिक है, तभी तो ये पिक्यूलियर है, तभी तो ये विचित्र है। क्यों ये वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ? क्योंकि कभी भी अब आपको ये अगर ये वर्ड्स ऐसे दिखेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे, आप लोगों को अब अच्छा लगेगा। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी, आपकी फैमिली। जानते थे आप इस बात को? अगर आप नहीं जानते तो जल्दी से एक थम्स अप कीजिए और मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ हर बच्चे को ये मैसेज पहुंच गया है कि फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है। ये आपके रिलेटिव होते हैं, ये आपकी फैमिली होती है। गाइज ऐसे ही आप सेशन को जो है लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वर्ड्स भी लेके आ जाऊँगा। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार फटाफट उसका आंसर दिखा दीजिए। हु इज कॉल्ड फ्लैश एंड ब्लड, मीनिंग आवर क्या होता है इसका? रिलेटिव होता है या फैमिली होता है? जरा आगे देखेंगे। You must help them. They are your flesh and blood. आप लोगों को help करनी चाहिए क्योंकि ये आप लोगों के क्या हैं? Flesh और blood हैं, आप लोगों की family है। जरा एक बार picture भी दिखा दो computer महोदय। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी picture है। सुबह सुबह 5 बजे हैं और आप लोगों के सामने मैंने आपकी smile को जो है आगे रख दिया है। तो guys आप लोगों को ये session कैसा लगा? Short and sweet session होता है, सुबह सुबह 5 बजे का ये session होता है। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपने 20 friends को आप ये session शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसको जो है देख पाए और हम लोग और भी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों के लिए लेके आऊं। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप हर नोटिफिकेशन को देखते रहें। आप हमेशा देखते रहिए क्या? SSC अड्डा, उड़ा देंगे।